ऑफिशियली BFUHS फरीदकोट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे BFUHS.ac.in, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उस पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो ऑफिशियली जो है पंजाब में, पंजाब की MBBS एंड BDS सीट्स गवर्नमेंट एंड एज वेल एज प्राइवेट, उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है काउंसलिंग की। सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है क्योंकि अभी तक ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी उसके बाद ही स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जा रही है सो दैट एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जा सके स्टूडेंट्स की। तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, कैसे रजिस्टर करना है वो सारा मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। तो अभी मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ। फर्स्टली आपको BFUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, BFUHS.ac.in पे, और उसके बाद में आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता हुआ दिखेगा नीचे, जहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन है, उसमें सबसे ऊपर न्यू एक नोटिफिकेशन आई होगी, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर MBBS एंड BDS, उस पर भी क्लिक कर सकते हो। और या फिर आप एडमिशन सेक्शन में जा सकते हो, टॉप टॉप में एट द टॉप, उस पर जाके आप क्लिक करोगे एंड देन आप उसमें फर्स्ट नंबर पे MBBS एंड BDS कोर्सेज पे क्लिक करोगे एंड इंटरफेस विल अपियर। एंड इसी इंटरफेस पे आपको सारी नोटिफिकेशंस आपकी MBBS एंड BDS की थ्रू आउट मिलेंगी इसी पेज पे। तो यहीं पे जाके आपको सारी नोटिफिकेशंस देखनी है जितनी भी होंगी। फिलहाल इस पे कट ऑफ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, थोड़े बहुत प्रोस्पेक्टस में जो चेंजेस हुए हैं फीस को लेकर उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है प्रोस्पेक्टस में। उस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली वीडियोस में। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जो चेंजेस आए हैं फीस में, उसको लेकर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। फिलहाल वी विल मूव टू द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हम क्लिक करेंगे फर्स्ट नोटिफिकेशन पे और एक इंटरफेस अपियर होगा हमारी स्क्रीन पे, और उस पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ के रीड करके बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो नोट सेक्शन पे जो नीचे टॉप बॉटम पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन टाइम टू अवॉइड इनकन्वीनियंस। फिलहाल वैसे कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं दी कब तक रजिस्टर करना है, पर जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लो ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो हम आगे देखेंगे ही, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगला जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, फिलिंग मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म मे कॉज रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो एक बार ही रजिस्टर करना, बार बार रजिस्टर नहीं करना। तो जो आपका नंबर और ईमेल आईडी देनी है उसी से आपका जो है पासवर्ड जनरेट होगा रजिस्ट्रेशन के बाद। एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होती है और एक रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड जनरेट होता है। तो आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा, तो आपने नंबर वही देना है जो घर पे अवेलेबल हो, या अपना नंबर या अपने पेरेंट्स का नंबर जो चलता हो, जिस पे मैसेज आए, है ना। ईमेल भी वही देनी है जो वर्किंग ईमेल हो। फिर उसके बाद में लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड आफ्टर कट ऑफ डेट एंड गेट प्रिंटेड आफ्टर दैट। अपलोडिंग कंपल्सरी एफिडेविट इज मैंडेटरी विद द एप्लीकेशन फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप, अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो एक कंपलसरी एफिडेविट है, स्वॉन डिक्लेरेशन होती है, वो भी अपलोड करनी होती है उसके साथ। तो वही लिखा हुआ है और ऑटोमेटिकली ये जो है लॉक हो जाएगा जैसे ही कट ऑफ डेट आएगी इसकी। तो उससे पहले पहले आपको रजिस्टर कर देना है। स्वॉन डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट और कंपलसरी एफिडेविट जो आपको अपलोड करना है, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में इसी में ही आपको कैसे डाउनलोड करना है, वहाँ पे ऊपर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डाउनलोड स्वॉन डिक्लेरेशन, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ ऐसा दिखता है, इसमें आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका सिग्नेचर और आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए होता है। एक स्टूडेंट की तरफ से स्वॉन डिक्लेरेशन होती है और एक पेरेंट्स की तरफ से होती है। और इसमें लिखा होता है कि आप किसी और स्टेट में MBBS एंड BDS सीट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, आप पंजाब की स्टेट काउंसलिंग में ही अप्लाई कर रहे हो, पंजाब की स्टेट कोटा सीट्स के लिए। अब जब जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस अपीयर होगा जिसपे आपको गाइडलाइंस दी होंगी क्या क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में। उसके बाद में एक जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो आप जो फ़ोन नंबर दोगे या ईमेल दोगे, उस फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। तो वो आप यहाँ से पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके आप आगे के प्रोसेसेस कर सकते हो, चॉइस फिलिंग हो गया वगैरह वगैरह सारा कुछ, ठीक है। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते, तो वो मैं आगे इंटरफेस पे बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, जैसे ही फिर आपके सामने एक इंटरफेस अपीयर होगा जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोट्स लिखे हुए हैं, जो कि
है, पहले लिखा है कैंडिडेट शुड हैव अटेंड और विल अटेन द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर 2023। मतलब इस साल एंड तक वो 17 का हो जाना चाहिए, मतलब 17 से कम वाले नहीं दे सकते, 17 से ऊपर वाले दे सकते हैं। कैंडिडेट्स बॉर्न ऑन और आफ्टर 1/1/2007 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिनका डेट ऑफ बर्थ 2007 या उसके बाद का है, 2008-2009, वो अप्लाई नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन के लिए। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेप वन है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और उससे आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, उसी के बारे में लिखा है। प्लीज़ फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली एंड आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यू विल रिसीव अ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड ऑन योर मोबाइल एंड ईमेल। इसलिए आपको मोबाइल नंबर वही देना है जो चल रहा हो, आपके घर का हो, आपके पेरेंट्स का हो या आपका खुद का हो। ईमेल भी वही देनी है जो वर्किंग ईमेल हो। फिर लिखा है प्लीज़ डिपॉजिट फी फॉर एस सी कैटेगरी, मतलब एस सी कैटेगरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2950 है, और जो जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज हैं, ओबीसी, बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया, कोई भी कैटेगरी है उनके लिए है 5900, 5900 जनरल कैटेगरी, और बाकी कैटेगरीज के लिए सिर्फ एस सी कैटेगरी के लिए 2950 है। और आपको ये पेमेंट करनी है थ्रू बैंकिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब ऑनलाइन करनी है आपको पे। प्लीज़ क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन इफ़ यू डिड नॉट रिसीव पासवर्ड थ्रू ईमेल एंड एसएमएस आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद आपके नंबर पे या ईमेल पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं आता, तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है और फिर आगे का प्रोसीजर आपको पता लग जाएगा। फिर स्टेप टू पे लिखा है, स्टेप टू में हमें अपलोड करनी होती है फ़ोटो, सिग्नेचर और बाकी डॉक्यूमेंट्स। तो जो आपको फ़ोटो अपनी जो फ़ोटो है वो 25 KB साइज़ की होनी चाहिए, और जो आपका नेम ऑफ द कैंड मतलब आपका जो नाम है और जिस दिन वो आपकी फ़ोटो ली गई है वो फ़ोटो के नीचे होना चाहिए। यू आर ऑल्सो एडवाइज टू अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, नीट रिजल्ट कार्ड एंड रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट। तीन डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपलोड करने, एक आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, नीट का रिजल्ट कार्ड और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप अगर एस सी कैटेगरी से हो तो आपका एस सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैकवर्ड एरिया के हो तो बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट, बॉर्डर एरिया का सर्टिफिकेट, ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो उनके सर्टिफिकेट्स आप जिस भी कैटेगरी से फिल कर रहे हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना ही करना है। मैट्रिक सर्टिफिकेट आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट होता है, बोर्ड की मार्कशीट आती है आपकी, जो उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंशनड होती है, तो इसके लिए आपके जो प्रूफ की तरह यूज़ करते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। और नीट का रिजल्ट कार्ड तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उसी पे आपका स्कोर लिखा हुआ है, तो आपको कट ऑफ मेरिट के बेस पे, उसी की बेस पे मिलेगी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। स्टेप थ्री जो है, उसमें एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म बना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, उसको प्रिंट आउट निकलवाना होता है। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉक हो जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और ऑटोमेटिकली जिस दिन लास्ट डेट होगी उस दिन आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप तब भी ले सकते हो आपका प्रिंट आउट, और आप लॉक करके खुद भी ले सकते हो। तो और जो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप निकलवाओगे, ये आपको एज अ प्रूफ अपने पास रखना है, और इसकी एक दो कॉपी करवा के रख लेना, क्योंकि आपको बाद में ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और ये जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कैटेगरी से एडमिशन लेना है, तो उन बच्चों को इसी एप्लीकेशन की कॉपी जो है यूनिवर्सिटी को भी सेंड करनी होती है, और बाकी कैटेगरीज को नहीं सेंड करनी, सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब के बाद में हमें ये सब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रीड कर लिया है, हमें पता लग गया कि क्या क्या करना है। तो उसके बाद में सबसे नीचे हमें प्रोसीड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके हम एक इंटरफेस पे पहुंचेंगे जिसपे हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, आपके नीट के मार्क्स, आपके प्लस टू के मार्क्स, आपके 11th के मार्क्स, आपकी कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी के लिए फिल कर रहे हो, आपकी एस सी कैटेगरी, एस सी कैटेगरी फिल करोगे, ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी फिल करोगे, स्पोर्ट्स कैटेगरी से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो स्पोर्ट्स कैटेगरी, एनआरई कैटेगरी, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है, बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया, तो आप जिस भी कैटेगरी से फिल कर रहे हो आप वो अपनी कैटेगरी फिल करोगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में फिल नहीं करोगे, या फिर आप जनरल के लिए क्लिक कर दोगे। फिर आपका परमानेंट एड्रेस, आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने फिल करना है, परमानेंट एड्रेस आपका आधार कार्ड पे लिखा होगा तो आप वहाँ से देख के कर लेना है इस पर फिल। उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी सिटी कौन सी है, आपकी ईमेल आईडी, जो वर्किंग ईमेल आईडी है वही देनी है,
मोबाइल नंबर देना है अपना या अपने पेरेंट्स का जो वर्किंग हो उसी पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होके आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके प्लस टू के मार्क्स, आपके 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स, फिर आपने कौन से बोर्ड से एजुकेशन अपनी 11th 12th पास करी है वो लिखना है। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको एब्रीविएट कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें आपको लिखनी है। सबसे ऊपर है आर यू अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो इस पर आपको येस क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं हो, NRI कैटेगरी से हो, तो आप इस पर नो कर सकते हो। तो फिर उसके बाद में आपका नीट यू जी का रोल नंबर लिखना है, या आप यहाँ पे अपना एंटर नीट यू जी रोल नंबर में अपना रोल नंबर लिखोगे, फिर अपना नाम मैं जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट पे है, मतलब होना तो वही चाहिए, तो आप अपना नाम लिखोगे, अपने पिताजी का, अपने फादर्स नेम लिखोगे, फिर आपका नीट का रोल नंबर फिर से लिखना है यहाँ पे नीचे, फिर नीट में कितना रैंक आया, नीट में कितने मार्क्स थे और नीट में कितनी परसेंटाइल थी। तो जब आप कैफे जाओगे तो आप अपने साथ अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जिसपे आपके मार्क्स वगैरह लिखे हों, तो आपका नीट का रिजल्ट कार्ड जो है उस पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ऐसे ही 10th 11th 12th के डॉक्यूमेंट्स भी आप लेके जाओगे तो उस पर देख के आप लिख लेना, और खुद से मत लिखना अगर आपको याद भी हो, तो फिर भी एक बार कंफर्म करके आपको रोल नंबर, अपने मार्क्स, वो सब कुछ सारा अच्छे से ध्यान से लिखना है। फिर आपकी कैटेगरी फिल करनी है, जो भी कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी आपने फिल करनी है इसमें। और अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, जैसे सिख माइनॉरिटी हो गया, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गया, तो उनकी भी काउंसलिंग BFEOHS फरीदकोट ही कराती है, CMC लुधियाना के लिए, या फिर SGRD मेडिकल कॉलेज जो कि अमृतसर में है। तो अगर आप सिख माइनॉरिटी से हो, आप SGRD के लिए कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सिख माइनॉरिटी पे येस करोगे और सिख माइनॉरिटी लिखोगे। और अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो और आप CMC में एडमिशन ले रहे हो, तो आप इसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी भी क्लिक करोगे। फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ में आपके आपको डेट डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, कितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप फिर कौन से जेंडर से, उस फीमेल हो मेल हो, वो सब कुछ लिखना है। फिर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, पंजाब में पंजाब, फिर डिस्ट्रिक्ट सिटी, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, आपका मोबाइल नंबर, फिर आपकी ईमेल। मैं फिर से बता देता हूँ कि मोबाइल नंबर, वर्किंग मोबाइल नंबर देना है जिसपे रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आएगा, ईमेल भी सही ईमेल देनी है, पुरानी कोई ईमेल नहीं देनी जिसका पासवर्ड ना मिले बाद में। फिर उसके बाद में आपको प्लस टू का आपका बोर्ड का रोल नंबर फिल करना है, और फिर उसके बाद में आपको आपका आधार नंबर फिल करना है, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा, तो आधार कार्ड से देख के आप अपना आधार नंबर भी उस पर फिल कर देना। इसके बाद में अगली स्लाइड में मैं दिखा देता हूँ क्या क्या फिल करना है। प्लस टू के मार्क्स फिल करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे आउट ऑफ 100, आपने कितने किए थे। फिर 11th में आपके क्या कितने नंबर थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और उसके बाद में आपका एजुकेशन बोर्ड लिखना है, अगर आपने पंजाब स्कूल एजुकेशन PSEB से किए, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से, तो PSEB, ICIC या फिर CBSE, कहीं से भी, जिससे जहाँ से भी आपने, जिस बोर्ड से भी की है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। फिर किस स्टेट से आपने प्लस वन करी है वो सिलेक्ट करनी है, पंजाब से की है तो पंजाब फिल कर देना इसमें, और जहाँ से आपने, जिस स्टेट से आपने प्लस टू करी है वो स्टेट प्लस टू में सिलेक्ट करनी है, मतलब प्लस टू कौन सी स्टेट से करी है वो सिलेक्ट करनी है, पंजाब से करी तो पंजाब को स्लेट को सिलेक्ट कर लेना। बर्थ स्टेट ऑफ एप्लीकेंट, अब आपकी जो स्टेट ऑफ बर्थ, कई कई होते हैं जिनका बर्थ दूसरी स्टेट का होता है पर बिलोंग करते पंजाब से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको पंजाबी सिलेक्ट कर लेना है अगर आपका पंजाब में बर्थ हुआ है। तो आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ, ऐसे क्लॉज 11D पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, तो अगर आप पंजाब के परमानेंट रेजिडेंट हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, तो आप उस पर येस कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद में स्वान डिक्लेरेशन का आपको कंपलसरी अपलोड करना होता है एफिडेविट, तो आप वो डिक्लेरेशन को साइड, इसके साइड में ही डाउनलोड स्वान डिक्लेरेशन, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको फिल करना है, और उसकी JPEG फाइल फॉर्मेट बना के एटलीस्ट 500 KB का, मतलब लीस्ट 500 KB की उसकी वो होनी चाहिए, साइज़ होना चाहिए 500 KB का, उसको फिर JPG में कन्वर्ट करके उसको फाइल को चूज़ करके इस पर अपलोड कर देना है स्वान डिक्लेरेशन को। और फिर आपको इस पर टिक करना है दैट आई हैव नॉट अप्लाइड एंड विल नॉट अप्लाई टू सीक एडमिशन MBBS एंड BDS कोर्स 2023 अंडर स्टेट कोटा सीट्स ऑफ एनी अदर स्टेट अदर देन पंजाब एंड हैज सॉट द बेनिफिट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब ओनली इन द स्टेट कोटा काउंसलिंग, मतलब आप किसी और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, और तो ये आपको स्वान डिक्लेरेशन देनी होती है, वही आपके स्वान डिक्लेरेशन के जो आप डाउनलोड करोगे उसमें भी यही लिखा होता है, तो इस पर टिक करके
और अगले पे लिखा है कि दैट आई हैव गॉन थ्रू द प्रोस्पेक्टस ऑफ नोटिफिकेशन 10/10/3 एंड कोगरेंडम 27/6 इशूड फॉर एडमिशन इनटू। हाँ, तो जो आपका नोटिफिकेशन आई हुई है पहले प्रोस्पेक्टस, थोड़ा सा उनमें चेंजेस आए हैं किसी कई चीज़ों को लेकर, जिसे फीस में चेंज हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उस नोटिफिकेशन को भी मैं एक अच्छे से वीडियो बना के वो भी दिखा दूंगा। फिलहाल आपको इन दोनों पे क्लिक करके और येस पे क्लिक कर देना है। ये आर यू एनरोल्ड रजिस्टर्ड टू वोटर आई डी कार्ड, इस पे करना है नहीं करना कोई चक्कर नहीं। वैसे तो अगर आप वोटर कार्ड आपका बना हुआ है तो आप येस कर देना, अगर वोटर कार्ड नहीं बना तो नो कर देना और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आपको ये डेटा सेव हो जाएगा और इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर आपके फ़ोन पे आएगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो आप जो स्टार्टिंग में आपके जब आपने क्लिक किया था तो एक इंटरफेस अपीयर हुआ था कुछ ऐसा, जिस पे आप रजिस्ट्रेशन पे आपके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करना है और लॉगिन करना है, और उसके बाद में आपको स्टेप 2 परफॉर्म करना है, जिसमें आपको फ़ोटो अपलोड करनी, अपनी सिग्नेचर अपलोड करने हैं और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। तो जो फ़ोटो अपलोड करनी है मैं फिर से बता देता हूँ, वो 25 KB की होनी चाहिए और उस पे उसके नीचे आपके जो आपका नाम लिखा होना चाहिए और जिस डेट को आपने खिंचवाई थी वो लिखा होना चाहिए, और मैट्रिक सर्टिफिकेट, नीट का रिजल्ट कार्ड, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट और शायद उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन होगा, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा उसमें। स्टेप 2 में आपकी फ़ोटो अपलोड करने के बाद में, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपका स्टेप 2 ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है स्टेप 2। एंड उसके बाद में स्टेप 3 आता है, जो उसमें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म बनता है, वो प्रिंट आउट उसका निकलवाना होता है। तो आप उसका उसको लॉक करके एप्लीकेशन फॉर्म को आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और जिस भी दिन जो भी लास्ट डेट एक्सपेक्टेड जो भी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड की होगी उस दिन अपने आप ही ऑटोमेटिकली फॉर्म लॉक हो जाएगा। उससे पहले पहले शायद आप चेंज कर पाओगे, तो अगर उसमें कोई ओमिशन हो जाती है तो उससे पहले पहले आप चेंज कर पाओगे। अभी यूनिवर्सिटी ने कोई डेट नहीं दी हुई है तो इसलिए अभी आप उसको लॉक करके, अगर आपने ठीक भरा है, वैसे तो मैं रीइंस्टेट करूँगा कि आप पूरे अच्छे से ध्यान से जो डॉक्यूमेंट्स है देख देख के ये इन्फॉर्मेशन फिल करें। आपका रोल नंबर ठीक होना चाहिए, आपके मार्क्स ठीक होने चाहिए, थोड़ा भी गलती होगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ही ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, और मेरिट भी इसी बेस पे बनेगी और सीट भी इसी बेस पे मिलेगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरनी है, सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ध्यान से अपलोड करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़नी नहीं है, और इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाएंगे और सिर्फ जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी जो है यूनिवर्सिटी को सेंड करनी होगी, बाकी कैटेगरीज को नहीं सेंड करनी, सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले जो जो बच्चे हैं उन्होंने ही अपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म की एक यूनिवर्सिटी को कॉपी भेजनी होती है। सब कुछ ध्यान से फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है इसमें। और आई होप कि सभी को ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएं, जिस जिस मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हैं आप सभी को आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस मिलें। और भी जो भी थ्रू आउट अभी काउंसलिंग मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, ताकि कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूं या फिर आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में टाइम है, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा वीडियो बना के। तो आप पहले ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं उन चीज़ों को लेके। और जिस जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं टाइम निकाल के उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे हेल्दी।